हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉड एडिक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे रिएक्ट जेएस के बारे में। ठीक है, तो ये रिएक्ट जेएस जो होती है, ये हमारे जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी होती है। इसको आप फ्रेमवर्क भी बोल सकते हो, बहुत काफ़ी लोग इसको फ्रेमवर्क्स बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस जो है एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन से मेरा मतलब है कि ये सिंगल पेज है जो मैंने डेवलप करा हुआ है। ठीक है, तो इसी पेज पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये दूसरा पेज खुल जाएगा, ये रिफ़्रेश नहीं होगा। आप नोटिस कीजिए, ये रिफ़्रेश नहीं होगा। ठीक है, मैं किसी भी पेज पर जाता हूँ, ये रिफ़्रेश नहीं होगा। ये एक ही पेज पे हमारा कंटेंट को चेंज करता रहेगा, दूसरे पेजेस खोलता रहेगा, दूसरा कंटेंट, दूसरा डाटा खोलेगा, बट ये रिफ़्रेश नहीं होगा। इससे क्या होगा, इसकी हमारा जो यूज़र है, जो यूजिंग है और यूज़र एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। और ये जो लोडिंग टाइम लेता है हमारे डोमेन पे, हमारे रियल एप्लीकेशंस पे, वो लोडिंग टाइम नहीं लेगा बिल्कुल भी। एकदम से क्लिक करते हमारा दूसरा पेज खुलेगा। ठीक है, तो यही हमारे रिएक्ट का काम है, रिएक्ट की फंक्शनैलिटी है। ये एक, इसको आप रियल टाइम एप्लीकेशन भी बोल सकते हो कि रियल टाइम में हमारे जो कंटेंट है उसको अपडेट करता है। तो आज हम सीखेंगे इसको इंस्टॉल करना और अपनी पहली एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाएंगे, किस तरीके से हम उसको बनाएंगे। इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स देखेंगे। कंपोनेंट्स मैंने बोला है तो ये मत समझिएगा कि क्या बोल दिया, कि कितना हैवी सा वर्ड है, भारी सा है, मैं कैसे सीखूंगा। कुछ भी नहीं है, कंपोनेंट्स से क्या होता है, ये जो हमारा एक नैप बार है, ये एक कंपोनेंट है। ये हमारा लेफ्ट नैव बार कंपोनेंट है, ये हमारा राइट नैव बार कंपोनेंट है, ये हमारा जो मेन कंटेंट है, डैशबोर्ड है, ये हमारा एक कंपोनेंट है। तो एक वेबसाइट को हम टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है, हम इसको टुकड़ों में बांट देते हैं, क्योंकि हमारे जो पेजेस होते हैं काफ़ी, हर पेज में हमें नैव बार चाहिए। तो हम सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करेंगे और हमारा नैव बार आ जाएगा, हमें बार बार नैव बार नहीं बनाना पड़ेगा। सिर्फ हमें एक फंक्शन कॉल करना है और हमारा नैव बार आ जाएगा। ठीक है, हम इनको आपस में जोड़ सकते हैं, हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, दूसरे को तीसरे में ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। कंपोनेंट्स के नाम से आप डरिएगा मत, बहुत ही मतलब ईजी वे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने रिएक्ट को अपने सिस्टम में और बनाते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं अपना ये प्रोजेक्ट बंद कर देता हूँ। और इसके लिए हम सबसे पहले डाउनलोड करेंगे Node.js। ठीक है, Node.js एक जावास्क्रिप्ट का रनिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये Node.js.org, यहाँ से हम विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करेंगे। अगर किसी के पास OS है तो OS के लिए इंस्टॉल करें। मैंने ऑलरेडी जो है डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और चलता हूँ अपने डाउनलोड्स में। ठीक है, ये रहा मेरा डाउनलोड्स, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। हमें कुछ नहीं करना इस विंडो पे, सिर्फ नेक्स्ट। मेरे से रिपेयर के लिए, चेंज के लिए पूछ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट यू चेंज फीचर्स इंस्टॉल, रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, आपको रिपेयर नहीं करना है, एक काम करते हैं, इसको कैंसिल ही कर देते हैं। ओके, कैंसिल कर दिया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इंस्टॉल करना है। ओके, तो हमारे सिस्टम में Node.js इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडो R बटन दबाएंगे, PowerShell रन खोलेंगे, CMD टाइप करेंगे और यहाँ पर डालेंगे Node-V, मतलब वर्जन। ठीक है, हमारे पास नोड का वर्जन आ चुका है, वर्जन 18.15। तो इसका मतलब हमारे सिस्टम में जो है Node.js इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये Node.js जो है हमारा ऑफलाइन रनिंग एनवायरनमेंट है, ये हमारे लिए एक लोकल सर्वर जनरेट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है Node.js इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, कहीं भी एक फोल्डर बना लेते हैं, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ कोड एडिक्ट। ओके, और इस फोल्डर को मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड खोलूँगा। ठीक है,
अगर आपको नहीं पता है VS Code कैसे इंस्टॉल होता है, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक, ये मेरा जो है यहाँ पे खुल चुका है कोड के अंदर, तो मैं यहाँ से टर्मिनल खोलूँगा। ठीक है, न्यू टर्मिनल। मैं VS Code के अंदर टर्मिनल खोल के कर सकता हूँ, और जो VS Code में काम नहीं कर रहे हैं वो फोल्डर के अंदर आके यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे, ओपन पावर शेल विंडो हियर करेंगे। ये सिंपल राइट क्लिक करके ये ऑप्शन नहीं आएगा, शिफ्ट राइट क्लिक करके ऑप्शन आएगा ओपन पावर शेल विंडो हियर। ठीक है, तो यहाँ पावर शेल की विंडो खुल जाएगी और यहाँ पे हम करेंगे npx। ठीक है, एक क्या होता है npm और एक होता है npx। ठीक है, हम करेंगे npx, और मैं बताता हूँ आपको क्यों करेंगे। React App और यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन का नाम जो हमें एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं ये React App, ये हम एक अपना React App बना रहे हैं, इसमें एक सोर्स कोड हमें मिलेगा। npm से बनाते हैं तो ये सारी फाइल्स जो है वो इंस्टॉल कर देता है हमारे सिस्टम में, स्टोर कर देता है, वो हमारा स्टोरेज लेती हैं। और npx के थ्रू बनाते हैं तो ये एक हमारी जो फाइल्स जनरेट करेगा वो टेम्परेरी करेगा, टेम्परेरी स्टोरेज घेरेगा, जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तो वो फाइल्स अपने आप ही हम डिलीट कर सकते हैं, और अपने आप भी कुछ फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। तो इसमें जो है हमारा npx में फ़ायदा रहता है, ये हमारा स्टोरेज नहीं घेरता, और स्टोरेज ज़्यादा भी नहीं घेरता, बहुत ही मिनिमम स्टोरेज होता है। ठीक है, ये कोई kbs में होता है। और तो हम इसको npx से क्रिएट करेंगे, मतलब कि npx से जो है ना हम एक तरीके से उधार ले रहे हैं काम करने के लिए, और इसको फिर वापस कर देंगे। npm में क्या है, हम उसको ख़रीद लेते हैं कि भाई मैं ख़रीद रहा हूँ, मुझे ये जो है आप दे दो सोर्स कोड, मैं इसमें काम करूँगा। तो हम ख़रीदेंगे नहीं, हमें सिर्फ काम करना है, क्योंकि हम जो है डेवलप करेंगे ना उन फाइल्स के अंदर, उस सोर्स कोड के अंदर, वो सोर्स कोड हमारी वेबसाइट बनने के बाद वो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, npx create react app, और अपनी एप्लीकेशन का नाम, हम किस नाम से अपनी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, एंटर हिट करेंगे तो ये हमारा जो है थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। ठीक है, इतने इंस्टॉल होगा, इतने आप पानी वानी पी के आ सकते हैं, चाय पी के आ सकते हैं। तो हमारी जो रिएक्ट ऐप है ये बन चुकी है। ठीक है, तो चलिए अब फोल्डर में चलते हैं। ठीक है, ये हमारा फोल्डर आ गया, इसने हमारे लिए कुछ फाइल्स बना दी हैं। अब इन फाइल्स को जो है हमें अपना कोड एडिटर इस फोल्डर के अंदर नहीं खोलना, हमने जो npx के थ्रू फोल्डर बनाया है उसके अंदर हम अपना कोड एडिटर खोलेंगे, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड। ठीक है, ये हमारा कोड एडिटर खुल गया। अब ये जो फाइल्स हैं इनके अंदर जो npx ने हमारे लिए बनाई हैं काम करने के लिए, एक एनवायरनमेंट बनाया है, इन फाइल्स को देख के आप डरिएगा मत, इन फाइल्स की हमें सिर्फ कोडिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, बाकी हमें इनको याद नहीं करना, हमें रटना नहीं है, हमें जो मतलब है वो सिर्फ हमें src फोल्डर से मतलब है। ठीक है, बाकी हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। और पैकेज जो पैकेट डॉट जेएसएन, इसमें हमारी डिपेंडेंसीज होती हैं, इसमें हम जब बिल्ड करते हैं तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है, बाकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट, ये काम किस तरीके से करता है, आपने कभी C++ के में कोडिंग करी हो या फिर जावा में करी हो, तो उसमें आप देखेंगे कोई भी हम चेंजेस करते हैं कोड में, उसको सेव करते हैं तो वो कंपाइल होता है, उसको हम कंपाइल करते हैं तब जा कर के वो हमें रिजल्ट देता है, कोड के चेंजेस दिखाता है। ठीक है, और जब हम उसको पब्लिश करते हैं तो हमें उन कोड्स को बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये फ्रेमवर्क है, इसमें हम हमारा जो एक लोकल इन्वायरमेंट है, लोकल सर्वर है, जब भी हम सेव करते हैं कंट्रोल एस से, वो उसको फटाफट से कंपाइल करता है एक सेकेंड के अंदर, और हमें चेंजेस करके दिखा देता है रियल टाइम पे ही। हमें ब्राउज़र में अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक ही रियल टाइम में चेंजेस करके दिखा देता है। तो यही बेनिफिट होता है हमारे रिएक्ट का। ठीक है, तो जब हम इसको पब्लिश करते हैं ना रियल वेबसाइट पे, रियल डोमेन पे, तो हमें बिल्ड करना होता है, ये सब हमारे कोड्स नहीं जाते वेबसाइट पे, ये हमें एक फोल्डर बना के देता है बिल्ड का, उसके अंदर हमारी बिल्ड करी हुई फाइल्स होती हैं, बहुत ही मिनिमम फाइल्स होती हैं,
10-12 फाइल्स होती हैं बस, और उसको जो है फिर हम अपलोड कर देते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता, अपलोड करने के बाद हमारी वेबसाइट चलने लगती है। तो इतना ही करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से हम अपना टर्मिनल खोलते हैं, न्यू टर्मिनल। VS Code में अगर जो नहीं करना चाहता वो यहाँ पे हम यहाँ पे कर सकते हैं, अपने PowerShell में या अपने CMD में, ठीक है। यहाँ पे हम अपने सर्वर को स्टार्ट करने के लिए टाइप करेंगे npm start, ठीक है। स्टार्ट हम npm से करेंगे, ओके। ये स्टार्टिंग में स्टार्ट होने में थोड़ा सा जो है टाइम लेगा, मिनिमम 3 से 4 मिनट लेगा, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा आपके में कुछ एरर है या फिर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके जो है पहली रिएक्ट एप्लीकेशन आपके सामने है जो आपने बनाई है। ये हमारा लोकल होस्ट पे होस्ट हो रहा है और पोर्ट नंबर 3000 पे, ठीक है। ये ब्राउज़र मेरे पास अपने आप खुला सर्वर स्टार्ट होने पे। अगर आपके पास नहीं खुलता है तो आप लोकल होस्ट 3000 यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके चला सकते हैं ब्राउज़र में। और इसमें देखिए लोकल जो है ना, ये हमारा सिस्टम के लिए है, और अगर आपका फ़ोन और आपका लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप एक ही नेटवर्क, एक ही वाईफाई से कनेक्ट है ना, तो आपकी यहाँ पे आईपी जो आएगी, जो आपकी आईपी होगी ना लैपटॉप की, उस आईपी के सामने अपना ये पोर्ट डाल करके फ़ोन में भी चला सकते हैं। तो आप जो कोड में चेंजेस करेंगे वो डेस्कटॉप और फ़ोन में आप दोनों टाइम पे एट अ टाइम देख सकते हैं, रियल टाइम में, कि आपकी एप्लीकेशन फ़ोन में कैसी दिख रही है और डेस्कटॉप पे कैसी दिख रही है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बोला था ये कंपाइल करता है, ये देखिए यहाँ पे वेब पैक कंपाइल हो चुका है। कंपाइल करके हमें जो रिजल्ट मिला है वो हमें ये मिला है, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें आपको थोड़े से चेंजेस करके दिखाता हूँ रियल टाइम में। यहाँ पे लर्न रिएक्ट लिखा है, लर्न रिएक्ट ऐप, हमारी जो चेंजेस होंगे वो सारे सोर्स में होंगे, जो कोडिंग होगी वो सारी सोर्स में होगी, और हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो app.js है, ठीक है। तो रिएक्ट कोड एडिक्ट, इसको कंट्रोल ऐसे सेव किया, और ये देखिए कंपाइलिंग कर रहा है, ओके। कंपाइल करेगा और कंपाइल करके हमें यहाँ पे रिजल्ट दिखा देगा। मैंने कोई रिफ्रेश नहीं किया, ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, रिफ्रेश नहीं किया, लर्न रिएक्ट कोड एडिक्ट, ठीक है। अब यहाँ से कोड एडिक्ट हटा देते हैं और सेव करते हैं। इसने कंपाइल किया और कंपाइल करके हमें यहाँ पे रिजल्ट दिखा देगा, ये देखिए कोड एडिक्ट हट गया, ठीक है। तो चलिए अब कंपोनेंट्स देखते हैं। कंपोनेंट्स देख के, आप जब भी मैं कंपोनेंट्स बोलता हूँ ना, आप कंपोनेंट्स देख के डरिएगा मत बिल्कुल भी, ठीक है। कंपोनेंट्स कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, नैपार। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, खास ध्यान, कि कंपोनेंट जब भी बनता है ना उसका पहला लेटर कैप्स में रहता है। अगर आप स्मॉल कर देंगे तो एरर आएगा, नहीं चलेगा आपका कोड, ठीक है। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है JSX, ठीक है। वैसे तो आप app.js पे भी कर सकते हैं, napbar.js भी कर सकते हैं, उस पे भी आपका कोड रन होगा, बट JSX इसलिए किया है क्योंकि React में HTML के कोड में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं जो JSX में हमें सजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं ना, VS Code में एक होता है एक्सटेंशन, ठीक है, जो हमें काफ़ी मदद देगा कोडिंग करने के लिए, और VS Code में ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे सर्च करते हैं React, ओके। React सर्च किया और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ES7 React Redux Graphical React Native Snippets, ठीक है। ये हमें क्या करेगा, ये हमें शॉर्टकट्स देगा, ठीक है। किस चीज़ के शॉर्टकट देगा, देखिए जैसे कि ये जैसे कोड है ना, हम सारी कोडिंग करेंगे एरो फंक्शन पे, ठीक है, एरो बेस्ड फंक्शन पे। ये हमें एक, जैसे ये हमें एक कोड चाहिए, हमें एक फंक्शन लिखना है इस तरीके से, तो हम सिर्फ RFC लिखेंगे और ये हमें कोड दे देगा, हमें ये पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आप करना चाहें, ठीक है। वैसे ये आपको काफ़ी ईजी रहेगा कोडिंग करने के लिए, मैंने इंस्टॉल करा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, RFC लिखूँगा, ठीक है। RFC लिखा, इसने देखो मेरे को सजेस्ट कर दिया React Arrow Function Component, ठीक है। एंटर किया, इसने मेरे लिए कोड बना दिया, मुझे नहीं बनाना पड़ा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये जो फंक्शन है इसको हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ये फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखेंगे। क्यों करना पड़ेगा, ताकि इस फंक्शन में, इसमें जो हम कोडिंग करेंगे वो कोड हमारी ये वाली
ये वाला पेज इसको यूज कर सके, जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ये वाला पेज इसको यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से ये जो HTML लिखी है इसको हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें जो है अपना कोड लगाना है। इसको सेव करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है एरर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमने कोड हटा दिए। अब यहाँ पे क्या देखिए, ये रिटर्न में जो है ना ये div लिखा है, आप चाहें तो div के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ऐसे लिखने के लिए हमें जो है चाहे आपको खाली ग्रेटर देंस के सिंबल्स लगाने पड़े, बट आपको लगाना पड़ेगा ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर हमें अपना कोड रैप करके रखना पड़ेगा, तभी हमारा कोड रन होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ H1 वेलकम। ओके, यहाँ पे वेलकम लिखा। अब हम चलते हैं app.js में, यहाँ पे भी हम कोड को रैप करेंगे इस तरीके से। ठीक है, एरर चला गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब मेरे को इस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करना है अपने app.js में, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे नैव बार, जिस तरीके से हमने नैव बार को नाम दिया उसी तरीके से। अब करेंगे इसको क्लोज, इसको क्लोज इस तरीके से नहीं करना, ये हमारा HTML टैग नहीं है, इसको हमें इस तरीके से क्लोज नहीं करना। नैव बार लिखने के बाद लगाएंगे फॉरवर्ड स्लैश और फिर ग्रेटर देन से क्लोज। ठीक है, ये हमारा जो है हमने इसको फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया है app.js में, इसको सेव करते हैं। लेकिन यहाँ पे एरर आया, क्यों एरर आया, लाइन नंबर 7 नैव बार इज नॉट डिफाइंड। तो नैव बार एक कंपोनेंट है, app.js जो है वो ये बोल रहा है आपने नैव बार नाम तो बता दिया, बट उसका एड्रेस क्या है, उसका नाम, उसका हुलिया कैसा है, वो रहता क्या है, करता क्या है, ये सब भी तो बताओ हमें। तो ये सब डिटेल, हमारा जो कोड है ये सारी डिटेल हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, किसमें, app.js में। इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट नैव बार। ठीक है, फ्रॉम, यहाँ पे सिंगल कोट लगाएं या डबल कोट लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगल कोट के अंदर डॉट फॉरवर्ड स्लैश और अपने कंपोनेंट का नाम एज इट इज, हमको यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लगाना है, हमें सिर्फ यहाँ पे नाम लिखना है। इस तरीके से आपका इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसको करेंगे सेव्ड। ठीक है, ये वार्निंग दे रहा है लोगों की, हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया, इंपोर्ट कर लिया, बट हमने यहाँ पे इसको कहीं यूज नहीं किया, इस वजह से ये वार्निंग दे रहा है। इसको इग्नोर करेंगे और चलेंगे अपनी वेबसाइट की तरफ। तो ये देखिए, यहाँ पे आपने अपनी पहली वेबसाइट बना ली है वेलकम, यहाँ पे हमारा वेलकम की जगह नैव बार आ सकता था, तो आप नैव बार बनाइए और डिज़ाइन कीजिए। ठीक है, कंपोनेंट्स को यहाँ पे हम चाहे जब हम यहाँ पे अपना साइड नैव बार बनाएंगे, ये हमारा नैव बार हो गया, साइड नैव बार बनाएंगे तो हम उसी तरीके से यहाँ पे दूसरे कंपोनेंट जो बनाएंगे साइड नैव बार उसको यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो आपका नैव बार आ जाएगा, आपका साइड नैव बार आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो और डिज़ाइनिंग के लिए इसमें CSS अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, index.css में आप यहाँ पे CSS लगा सकते हैं, या फिर आप अपनी CSS बना सकते हैं navbar.css। ठीक है, और navbar.jsx में इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट navbar, सॉरी यहाँ पे नैव बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ इंपोर्ट करेंगे। सिंगल कोट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे नैव बार डॉट css लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे css इंपोर्ट हो जाएगी। अब चलते हैं नैव बार डॉट css में और यहाँ पे क्या करते हैं, h1 को हम लेते हैं और यहाँ पे कलर इसका कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, और इसको करते हैं सेव, app.js को भी करते हैं सेव, लेकिन हमारे यहाँ पे साइड नैव बार नहीं है तो इसको हटा देते हैं वरना ये हमें एरर देगा। सेव किया तो ये देखिए ग्रीन। तो इस तरीके से आप अपनी CSS भी इसमें लगा सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपने कंपोनेंट्स बनाइए और डिज़ाइन कीजिए। बाकी आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि ये हमारी फ्रंट एंड लैंग्वेज है रिएक्ट, अब इस फ्रंट एंड लैंग्वेज के थ्रू हम बैकएंड में डाटा कैसे भेजेंगे, वो भेजेंगे API के थ्रू, उसको बोलते हैं CRUD operations। तो ये आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कैसे हम डाटा डाटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं।
तो अभी के लिए इतना ही गाइस, तो गुड नाइट, थैंक यू।